छह जो कि कैप्शन वाला सवाल दवा का है, एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं चित्र को दोनों तरफ अर्धगोला दिया है, क्या दिया है? तो यहाँ पर सवाल हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा कि दवा का कैप्सूल है, क्या है? का एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, यानी ये जो बेलन है, देख रहे हैं ऐसे सीधा बनाइएगा दोस्त ना इसे, तब वो ये अर्धगोला ही ना कहलाएगा बाबू, अर्धगोला है, कहा है? चलिए अब क्या पूछा गया है भैया, लगा हुआ है और कह रहा पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 14 mm है, बात समझिए, मतलब अर्धगोला दोनों लगा करके पूरा लंबाई दिया 14 mm, ठीक है? पूछा है कि और उसका व्यास 5 mm है, कितना है? यानी डी का मान दिया है 5 mm, तो बोलिए आर का मान क्या हो जाएगा? बोलिए ना, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, देखते हैं भाग देख के आता है, 2 से 2 दूनी के 4, 1 बचेगा 0.25, यानी आपका आर का मान 2.5 दिया है mm, परेशानी? आप जानते हैं कि अभी बेलन की ऊंचाई यहाँ पर नहीं दी गई है, वो तो दवा कैप्सूल का मान दिया गया ना, आप जानते हैं बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमें धारिता यानी आर में से घटाया जाता है, किसमें? व्यास में से घटाया जाता है, किसमें? और संयोग वश यहाँ पर 2 अर्धगोला दिया गया है, यानी 2.5 + 2.5 जुड़ेगा आपस में, 14 में से घटेगा, क्या घटेगा? 14 में से 2.5 + 2.5 घटेगा, तब जाके वहां पर इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा, दिया है 5 mm, 5 mm, तो आप निकाल देंगे D/2, बोलिए सर, तो यहाँ देखिए देरी मत कीजिए, टाइम नहीं है, 5/2 हम लोग को 13.1 आज समाप्त कर देना किसी तरह से, तब जाके 13.2 को खत्म करेंगे, भाग दीजिए तो 2.4 mm वहां लिखा रखे सर। अब हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई भी निकाल देंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चिया, अभी हम जो पीछे करते आ रहे हैं, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले पूरा टोटल मान, कैप्सूल की लंबाई माइनस त्रिज्या का मान, संयोग वश यहाँ 2 है त्रिज्या, देखो 2 अर्धगोला है, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर कैप्सूल की लंबाई, आप जानते हैं तो शॉर्ट को मार सकते हैं 14 माइनस 2.5 + 2.5, बस यहाँ लिखेगा 14 हो जाएगा एम, 2.5 जोड़िए कितना आएगा? अरे सर 9 mm आएगा, यानी आपकी जीत हुई कि आपने एच का मान निकाल लिया, कितना आया? 2 एम का मान कैसे, एच का मान कैसे आया? 9 mm, अगर एक ही को रहता अर्धगोला तो आर का मान घटता खाली एक ही को में से, लेकिन 2 है ना, देखिए लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए उस कैप्सूल में क्या क्या है? बेलन है, लिखेंगे बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बोलिए सर, क्षेत्रफल प्लस दो को गोला है भाई, अर्धगोला, दो गोले अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय, अर्धगोले में वक्र नहीं आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र लिखो तभी तो शुद्ध होगा, तो बेलन का वक्र कितना होता है सर? बेलन का 2π, और इसका अर्धगोला का 2 × अर्धगोला कितना होता है? 2π r² सर, ये 2 काहे गुणा किए बच्चा, 8 × अर्धगोला है, हो गया ना अर्धगोला का, तो इसका देखो बेलन का वक्र हो जाएगा 2π r² प्लस 2 काहे गुणा हुआ है क्योंकि 2 अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र लगा देंगे, उसके बाद देखिए 2 हो जाएगा, पाई का मान नहीं बोला गया है भाई, बड़ा साथ आप बोले नियम जब तक अनुसार होता जाए, भाई बड़ा साथ हो गया, आर का मान 2.5, यस का मान 9 प्लस 2 × 4 गुणे भाई बड़ा साथ, आर का मान 2.5, अब देखिए 2 × 22/7 ये क्या 25/10 गुणे 9 प्लस 4 × 22/7 ये हो जाएगा 25/10 अब आप लोगों से रबड़ देना चाहिए, आ गया जो बटा गुणा भागा, इसमें क्या करना है, कड़नवा खेलेंगे हम लोग, 10 × 5 22 × 11 एंड नहीं करता है तो छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 5 × 5 = 25 5 × 10 फिर 5 × 5 = 25 5 × 10 और 11 × 22 2 × 4 अब अगर दिखाई दे तो बोलिए 5 × 25 5 × 25 5 × 5 = 25 अब नहीं करता है तो 2
ग्यारह गुड़े पाँच यो है नौ है ना, अब बटे में सात है क्या, प्लस ऊपर कितना बचवा दो गुड़े ग्यारह पाँच गुड़े पाँच बटे में सात सबस। अब हम लोग इसको गुणा करेंगे कितना आ गया 990 दो ग्यारह गुणे पाँच गुणे नौ 990 बटे में प्लस दो ग्यारह गुणे पाँच गुणे पाँच 550 बटे में आप जानते हैं हर समान है तो सिर्फ जुड़ जाता है 990 हो जाएगा प्लस 550 हो जाएगा तो 990 और प्लस जोड़िए 550 1540 आएगा बटे में सात। अब भाग देंगे तो आएगा कट जाएगा 220 mm स्क्वायर आएगा, यही रिजल्ट बनेगा।